हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर में एयरसेल कैसे चार्ज करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। पहले आप ये डायग्राम समझ लीजिए। ये कंजर्वेटर है, ये वीआर पाइपलाइन है, बुकोज रिले है, ये दो एयरलीस प्लग है कंजर्वेटर के ऊपर जो रहते हैं, ये एयरसेल है, ये ऑयल दिखाया है मैंने, ये ब्रीदर पाइपलाइन है और ये इक्विलाइजिंग वाल है जो एयरसेल और कंजर्वेटर को इक्विलाइज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में, कंजर्वेटर में जो एयरसेल है उसको चार्ज करने के दो प्रोसीजर होते हैं, एक कंप्रेसर से और दूसरा वैक्यूम पंप से। तो पहले मैं आपको कंप्रेसर से कैसे चार्ज करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। इस कंप्रेसर से जब भी हम चार्ज करते हैं, पहले ये दो एयर रिलीज हमको ओपन करने हैं, उसके बाद ये इक्विलाइजिंग वाल्व बंद करना है, फिर हमको यह कंप्रेसर से एयर पुश करना है और यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगाना है जिससे हमको चेक करना है कि इसका प्रेशर 1.4 psi से ज्यादा बढ़े नहीं तो एयरसेल डैमेज हो सकता है। जैसे ही हम यहाँ से एयर पुश करेंगे, एयरसेल का वॉल्यूम बढ़ेगा और क्या होगा कि जो ऑयल है यहाँ पे वो ऊपर जाएगा। ये हम आप POLG में देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑयल लेवल बढ़ेगा हम POLG में देखेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि POLG फुल हो जाएगा, फिर जो ऑयल है वो एयर रिलीज से बाहर आता है। जैसे ही ऑयल एयर रिलीज से बाहर आता है हमको ये दोनों एयर रिलीज प्लग फुल टाइट करना है और कंप्रेसर का में से एयर फ्लो बंद करना है। ये तीनों काम एक साथ हो जाना चाहिए, नहीं तो एयरसेल में प्रेशर बढ़ जाएगा और उसको डैमेज होने का चांस है। फिर ये एक प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर ये है कि वैक्यूम पंप से, तो कंप्रेसर की जगह हमको वैक्यूम पंप लगाना है और प्रेशर गेज की जगह वैक्यूम गेज लगाना है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम वैक्यूम से एयरसेल को चार्ज करते हैं, ये दो एयर रिलीज फुल टाइट करना है और ये इक्विलाइजिंग वाल्व ओपन रखना है। उसके बाद हमको वैक्यूम चालू करना है। जैसे कि कंजर्वेटर का एरिया कम होने से फुल वैक्यूम 15-20 मिनट में आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है कि ये वाल्व क्लोज करना है। ये वाल्व क्लोज करने के बाद हमको वैक्यूम का पाइप रिलीज करना है। तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर की एयर ब्रीदर पाइप के थ्रू एयरसेल में जाके एयरसेल को चार्ज कर देगी। ये हो गया प्रोसीजर हमारा वैक्यूम से हम कैसे उसको चार्ज करते हैं। अभी इसको चेक कैसे करें कि हमारा एयरसेल चार्ज है कि नहीं, तो हमको ये POLG दिख रहा है। POLG में अगर ऑयल लेवल फुल दिखता है तो आपका एयरसेल चार्ज है, वो आप चेक कर सकते हो। अगर इसमें ऑयल लेवल फुल नहीं है तो आपका एयरसेल ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये अभी ब्रीदिंग कैसे करेगा, तो क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर में जब भी लोड बढ़ेगा, ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जो एयरसेल की एयर है ब्रीदर पाइपलाइन थ्रू बाहर आएगी और जब ट्रांसफॉर्मर में लोड कम होगा, ऑयल ठंडा होगा, तो जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो एयर ब्रीदर पाइपलाइन थ्रू एयरसेल में आएगी। तो ये ब्रीदिंग कैसे करेगा मैंने आपको बताया। अभी इसका बेनिफिट क्या है, तो पहले जब एयरसेल ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता था तो उस टाइम पे मॉइस्चर वाली एयर ऑयल के कांटेक्ट में डायरेक्टली आती थी जिससे ऑयल का बीडी भी कम होता था और ऑयल की लाइफ कम होती है। लेकिन एयरसेल की वजह से जो भी मॉइस्चर वाली एयर है वो खाली एयरसेल में रहती है और एयरसेल से ही बाहर आती है, ऑयल और एयर का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से बीडीवी भी कम नहीं होती है और ऑयल की लाइफ भी ज्यादा बढ़ती है।